नमस्कार, आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि सेविका पद की जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें यहाँ पे एक खबर निकल के आ रही है जो कि BDO और CDPO को द्वारा अनियमितता बरतने का महिला अभ्यर्थी ने लगाया है आरोप। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर महिला अभ्यर्थी ने सिमरिया की 2 पंचायतों के सेविका पद की चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का लगाया है आरोप। और ऊपर देखेंगे यहाँ पे ICDS के निदेशक व बिहार सरकार के अवर सचिव के पत्र को भी BDO और CDPO ने नहीं माना। तो क्या है इसकी सही जानकारी, तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके समझाने वाला हूँ कि जो सेविका पद के लिए चयन प्रक्रिया हो रहा है उसमें किस प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक कीजिएगा तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार से हर रोज़ नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ में आगे। तो जैसे कि ये खबर देख पा रहे हैं, बरौनी प्रखंड के सिमरिया 2 पंचायत के वार्ड 13 के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 282 को लेकर हुई आम सभा में सेविका चयन में अनियमितता बरते जाने का आरोप महिला अभ्यर्थी ने लगाया है। इस संबंध में महिला अभ्यर्थी सुष्मिता ने कहा कि ICDS पटना के निदेशक व बिहार सरकार के अवर सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र को भी बरौनी BDO और CDPO ने नहीं माना। इस मामले में सेविका में शामिल अभ्यर्थी सुष्मिता कुमारी ने बताया कि क्रमांक संख्या 1 में किरण कुमारी पति गोरे लाल कुमार ने सेविका बहाली के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय बिहार सरकार के नियम के विरुद्ध पिता के बदले पति के नाम से बना जाति प्रमाण पत्र डाला था। यहाँ पे आप लोग इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि जो प्रमाण पत्र डाला गया था वो पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र डाला गया था, जबकि बिहार सरकार के अवर सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारी को विवाहित महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होने का निर्देश साफ साफ दिया गया। कहा कि ICDS निदेशक द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पत्र देकर आवेदिका के द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन के आधार पर ही निर्णय लेने का आदेश दिया गया है, जबकि आम सभा में उक्त दोनों निर्देश को बरौनी BDO वीरेंद्र कुमार सिंह व CDPO पूनम कुमारी ने अनियमितता बरत गलत प्रमाण पत्र रहने के बावजूद किरण कुमारी के सेविका चयन की घोषणा की है कि अभ्यर्थी द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। यानी कि आरोपी जो उन पे आरोप लगा रही है जो अभ्यर्थी है वो एकदम गलत है। आम सभा के दौरान भी अगर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र समान रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो वह मान्य माना जाएगा। तो जैसे कि जो महिला अभ्यर्थी है उन्होंने अपना आरोप लगाया है कि जो BDO और CDPO हैं उनके जगह पर किरण कुमारी नाम की जो सेविका है उनका बहाली गलत तरीके से किया गया है कि जिनका बहाली हुआ है वो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उनका पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र डाला गया था, जबकि पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र डालना चाहिए था। यह है कि BDO और CDPO ने इस महिला सेविका को गलत तरीके से उनकी चयन कर दिया है, उनका कहना यही है, जबकि इन्होंने कहा है कि BDO और CDPO ने कहा है कि आम सभा के दौरान जो अभ्यर्थी है वो जाति प्रमाण पत्र समान रूप से प्रस्तुत कर देती हैं तो वही उनका मान्य माना जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है देखिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये न्यूज़ है बेगूसराय ज़िले से ये खबर आ रही है जो कि 24/8/2021 यानी कि ये कल की खबर है और इस खबर के माध्यम से आपको सारी जानकारी हमने क्लियर समझा दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।